हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा CSEID अप्रूव हो चुका है और हमें CSEID मिल चुका है, लेकिन हमें CSEID अप्रूव होने के बाद किसी भी तरह का पासपोर्ट नहीं दिया गया है। तो हम CSEID यूज करने के लिए पासपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं और पासपोर्ट कहाँ से लाएंगे, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि हमारा CSEID अप्रूव हो चुका है लेकिन हमें किसी भी तरह का मेल पर या कहीं भी हमें पासपोर्ट नहीं बताया गया है। CSEID यूज करने के लिए आप इस पासपोर्ट को यूज कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें पासपोर्ट कैसे प्राप्त होगा। CSEID अप्रूव होने के बाद हमें पासपोर्ट तो नहीं दिया गया है लेकिन हमें जरूरी होता है ID कहीं लॉग इन करने के लिए। शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट प्राप्त करेंगे और पासपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि CSE का KYC कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पासपोर्ट कैसे प्राप्त किया जाए। ईमेल के थ्रू हमारा मैसेज आ चुका है कि हमारा CSEID अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे हम स्टेटस भी चेक करते हैं हमारा CSEID अप्रूव होने के, तो यहाँ पे हमें शो हो जाता है कि हमारा CSEID अप्रूव हो चुका है और मेल पे भी हमारा SMS आ गया है कि हमारा CSEID अप्रूव हो चुका है लेकिन हमें यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए योर ID हैज बीन क्रिएटेड और नीचे हमें अपना CSEID देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें लॉगिन का पासपोर्ट ही नहीं मिला, यहाँ पे हम लॉगिन कैसे करेंगे? तो हमें मेल पे कोई भी तरह का पासपोर्ट नहीं आया है CSE अप्रूव होने के बाद कि आपका CSEID क्रिएट कर दिया गया है, यह आपका पासपोर्ट है, आप डिजिटल सेवा पर आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी पासपोर्ट नहीं मिला। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको न्यू विंडो ओपन करना है और यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा सर्च करना है और डिजिटल सेवा सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल। सिंपल से आपको यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करना है और डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी और मेल आईडी मांगा जाता है जो CSEID से आप अटैच किए हैं। यहाँ पे आप मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, यूजर आईडी जो आपका CSEID अप्रूव हुआ। तो यहाँ पे तो हमारा यूजर आईडी मिल चुका है लेकिन हमें यहाँ पे पासपोर्ट मांगा जाता है, तो हमारा पासपोर्ट तो मिला ही नहीं है, तो हम कैसे CSE में लॉगिन करें? तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फॉरगेट पासपोर्ट। सिंपल से आपको यहाँ पे फॉरगेट पासपोर्ट पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूजर नेम। सिंपल से आपको जो CSEID अप्रूव होने के बाद मिला है आपको यहाँ पे फिल कर देना उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी देखने को मिल जाता है जो आप CSEID में अटैच किए हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे मेल आईडी फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैप्चा। सिंपल से आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है गेट और न्यू पासपोर्ट। सिंपल से आपको गेट और न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करना। तो चलिए फटाफट हम सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। गेट और न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके मेल आईडी पे एक न्यू पासपोर्ट क्रिएटिंग लिंक सेंड कर दिया गया है। सिंपल से आपको अपने मेल आईडी पे आ जाना है और मेल आईडी पे आने के बाद यहाँ पे आपको नो रिप्लाई फॉरगेट योर पासपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट का मैसेज आ जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ये मेल ओपन करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्रिएट पासपोर्ट और नीचे आपको देखने को मिल जाता है टू क्रिएट पासपोर्ट जस्ट फॉलो दिस लिंक। यहाँ पे आपको लिंक सेंड कर दिया गया है कि आप अपना पासपोर्ट फॉरगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पासपोर्ट फॉरगेट कर सकते हैं और नीचे आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आपका लिंक नहीं वर्क करता है तो यहाँ से आप इस एड्रेस को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आपको किसी ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर पे पेस्ट करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू क्रिएट पासपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू क्रिएट पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से आपको यहाँ पे आपको वेट कर लेना है जब तक यहाँ पे आपको लोड नहीं होता। और यहाँ पे लोड होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है न्यू पासवर्ड एंटर का। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड बनाना है और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, जो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड डालें यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों पासवर्ड क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चेंज पासवर्ड। सिंपल से आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना तो आपका यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा का पासवर्ड
बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है डिजिटल सेवा पे। चलिए फटाफट हम लॉगिन करते हैं कि पासपोर्ट चेंज करने के बाद हमारा लॉगिन होता है या नहीं। तो सिंपल से आपको लॉगिन करने के लिए इसी साइट पे आ जाना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉगिन बटन। सिंपल से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूजर नेम देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम फिल करना है, यानी कि CSC ID फिल करना। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे पासपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो पासपोर्ट आप चेंज किए हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे पासपोर्ट फिल कर देना है। और पासपोर्ट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यह कैप्चा इसमें फिल कर लेना है। और कैप्चा फिल करने के बाद अगर आप अपने इस लैपटॉप में या ब्राउजर में अपना CSC ID सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रिमेम्बर मी। सिंपल से आपको रिमेम्बर मी पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिंग इन। सिंपल से आपको यहाँ पे सिंग इन पे क्लिक करना है। सिंग इन पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है और यहाँ पे आपका डिजिटल सेवा का ऑथेंटिकेशन किया गया। सिंपल से आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे सारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। उसके बाद आपका डिजिटल सेवा लॉगिन हो जाएगा। और डिजिटल सेवा लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका सारा सर्विस डिटेल्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है न्यू न्यू सर्विस जो हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारा सर्विस देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं 3 डॉट पे तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका नेम देखने को मिल जाता है, सर्विस डिटेल्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका वॉलेट देखने को मिल जाता है और नीचे पासबुक देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम देखे हैं कि CSC ID अप्रूव हो चुका है लेकिन हमको पासपोर्ट नहीं मिला है, तो कैसे पासपोर्ट फॉरगेट करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने CSE ट्यूटोरियल के अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम जानेंगे कि CSE का सर्विस कैसे यूज करते हैं। तो आपको इस ट्यूटोरियल में सारे सर्विस को एक एक करके डिटेल्स बताया जाएगा कि कौन सा सर्विस कैसे यूज करते हैं और CSE में हमें क्या क्या सर्विस मिलता है। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ट्यूटोरियल के अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आप CSE ट्यूटोरियल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको CSE के सारे सर्विस के बारे में एक एक करके हर एक डिटेल्स देने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से कि कौन सा सर्विस आप कैसे यूज करेंगे। तो मिलते हैं ट्यूटोरियल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो CSE हाल ही फिलहाल में लिए हुए हैं और उन्हें CSE के सर्विस के बारे में उतना अभी मालूम नहीं है। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से वह CSE का सारा सर्विस एक एक करके जान सके कि CSE में कौन कौन से सर्विस दिए जाते हैं और CSE का सर्विस कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।